बात दिग्विजय सिंह की, आज राजगढ़ लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरेंगे, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। दो बार की सीएम और कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह 33 साल बाद राजगढ़ से लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। राघवगढ़ दिग्विजय सिंह का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने भोपाल से ताल ठोकी थी। बीजेपी की प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। इस बार दिग्विजय का मुकाबला राजगढ़ से दो बार के बीजेपी सांसद रोडमल नागर से है। दिग्विजय सिंह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर काफी मुखर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना से नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले रोड शो और बाद में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सिंधिया। नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिंधिया राजघराने की कुलदेवी मांडरे की माता से आशीर्वाद लिया। सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज शिवपुरी में रोड शो करने के बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के बाद पोलो ग्राउंड में सिंधिया एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डिंपल यादव आज मैनपुरी में नामांकन करेंगी। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। यूपी की चर्चित मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम सिंह परिवार की बहू डिंपल यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। डिंपल यादव आज मैनपुरी सीट से नामांकन करेंगी। इस दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ यादव परिवार के अन्य सदस्यों के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब डिंपल ने यहां बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। डिंपल के सामने बीजेपी ने मैनपुरी शहर से विधायक और यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को उतारा है। जौनपुर लोकसभा सीट से बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। श्रीकला पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी और मौजूदा समय में जिला पंचायत की अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी के मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसी के साथ उनके चुनाव लड़ने पर भी संशय पैदा हो गया था। तभी से माना जा रहा था कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में उतर सकती है। बता दें कि बसपा के टिकट पर श्रीकला रेड्डी के चुनाव लड़ने से जौनपुर लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहां से बापू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया था।